राज्य में कार्यरत 16,000 NHM कर्मियों को उनकी नौकरी नियमित होने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। आज NHM कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की मुलाकात। मुलाकात के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नियमित करने को लेकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में NHM के विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब एक माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। बताते चले कि आज मंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि NHM कर्मियों ने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है, तो वे आवास से बाहर आए और कर्मियों से बात की। कि ये हमारे NHM के अनुबंध पे काम कार्य कर रहे हमारे साथी हैं, हमारे विभाग के समर्पित साथी हैं, और इनकी बात जायज है और हमने इस विषय में विभाग में पत्र लिखा है कि ये कमेटी का फॉर्मेशन हो, कमेटी का फॉर्मेशन में इनका भी प्रतिनिधि उसमें शामिल हो और इनको जो अनुबंध पे हैं इनको पहली प्राथमिकता के आधार पर जब हम नियुक्ति करें तो इनको पहली प्राथमिकता दी जाए और माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है उस पर। तो हम लोग इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने लोग आए हैं एक भी आदमी के मुंह से आपने मुर्दाबाद का नाम नहीं सुना होगा। पहला बार ऐसा होता है कि कोई विभाग के मंत्री के घर जाता है और सारे लोग जो है मंत्री का जिंदाबाद करते हैं और मंत्री पर सरकार पर विश्वास जताते हैं। तो हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हर आम आदमी को, गरीब आदमी को, ग्रामीण को, हमारे विभाग से जुड़े लोगों को, सरकार से जुड़ी संस्थाओं से, सबका ध्यान रखने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम किसी ने सोचा नहीं था। हमारे जो है पुलिस वाले लोगों को क्षतिपूर्ति अवकाश की बात थी, 13 महीना का उनको महंगाई भत्ता का बात था, हमारे ये आंगनवाड़ी सेविका की बात थी, हमारे जो है कृषक की बात थी, तो हमारे स्वास्थ्य में पहले लोगों को मुख्यमंत्री गंभीर योजना में पैसा नहीं मिलता था, आज जो है हम 5 से 10 लाख रुपया भी कर दिए हैं। तो बहुत तरीके से सरकार काम कर रही है और सरकार अपने सही मैनिफेस्टो पर सही दिशा में काम कर रही है। जी आपने पत्र किसे लिखा, जो आपने बताया विभाग को पत्र लिखा है, ये विभाग को पत्र लिखा है, अपर मुख्य सचिव हमारे है ना, उनको लिखा है ये पत्र उनको लिखा है। सर कब तक कमेटी बन जाएगी? कमेटी नहीं, वो सारी प्रक्रिया चालू है। आज मैं चूंकि अभी मैं जाऊंगा, कुछ MOU वगैरह होने हैं तो मैं जाऊंगा, तो ACS साहब से भी इस संबंध में बातचीत करके फिर मैंने इनको कल 10 बजे बुलाया, इनको बता दूंगा। राज्य भर में कितनी संख्या NHM की? राज्य भर में NHM की संख्या कितनी? 16-17 हजार लोग होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।